Good evening, speakations. Good evening. अफसोस आज नहीं हो सका बिल. कोर्ट ने सुनने के बाद ऑर्डर्स के लिए परसों पोस्ट किया है. अब बेल एप्लीकेशन का ऑर्डर परसों हो जाएगा. हमारे लॉयर ने कहा कि ऐसे ना हो कि फिर से वो कोई और से निकालें और कोई डाउट्स निकालें, तो उनको कल 4 बजे दोनों वकीलों को बुलाया है कि वो अब हमारे वकील से अगर उनके मन में कुछ डाउट हो तो वो क्लैरिटी वो कल ले सकते. पूरी दलील ख़त्म होने के बाद प्रोसिक्यूशन ने एप्लीकेशन करी कि हमारे को अभी एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लगाना है जो हमारे तरफ से बोलेगा. हमारे वकील ने उसको बहुत वेहमेंटली अपोज किया और कोर्ट ने वो एप्लीकेशन उनकी रिजेक्ट कर. तो 17 को अब ये लोगों की कल मीटिंग होगी जो आपस में इनको पूछताछ करना है, और 18 को बेल ऑर्डर होगा, सॉरी ऑर्डर के लिए रखा गया है. होता है या नहीं होता है वी रियली डोंट नो. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैड ऑल्सो मेड एन एप्लीकेशन फॉर कस्टडी फॉर इंटरोगेशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. कोर्ट ने उनको नहीं अलाउ किया और बोला आपको जो भी पूछताछ करना है आप जाके जेल में तरक साहब से करें. दिस इज वॉट इज हैपन टूडे इन दी नट शो. एनी बडी वॉन्ट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन कैन आस्क. किसी को कोई पूछना है, सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. 18 को हम लोग वापस आएंगे ना. 18 को आना चाहिए अपने को. आना चाहिए कितने बजे? यही 3 बजे के आसपास. जो अपना सर्वर बदल गया है कल वैसे हाई कोर्ट में भी अब एक PIL है जो फाइल हुई थी और जिसमें हमारे एक पैनलिस्ट मिस्टर जो अभी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इंटरवीन किया है. वो पिल की कल सुनवाई हाई कोर्ट में है. वहाँ ज़्यादा लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है. हाई कोर्ट का माहौल थोड़ा और शुद्ध होता है ज़्यादा लोग आने से, पर फिर भी थोड़े बहुत तो आइए वहाँ पे. लेट दी जुडिशरी नो द पावर ऑफ स्पीकिंग. कितने बजे सर? 11 बजे के बाद कभी भी लग सकते. इट इज़ हाई ऑन दी बोर्ड. कोर्ट नंबर क्या है? मैं स्पीक इंडिया के मेलविल साहब आप यहाँ हैं? ओके. वो मिसेज रंजना देसाई, जस्टिस रंजना देसाई की कोर्ट में है. कोर्ट नंबर तो नहीं पता, पर आप पता लगा लोगे तो मिल जाएगा. रंजना देसाई. लेकिन वहाँ पे मतलब किस कारण से मतलब वहाँ पे कुछ कर रहे हैं? ये पूरा आपको अगर याद होगा कि तारक वाजपेयी की जो अरेस्ट हुई है वो एक PIL के माध्यम से रंजना देसाई ने ऑर्डर दिया था बॉम्बे पुलिस को कि ये जांच करें सब इस टाइप की सर्वे कंपनीज पे और इमिडिएटली कोई ऐसा कानून का सुझाव करें. उस PIL के बाद ये FIR दर्ज हुआ था और वो FIR के कारण आज तारक साहब अंदर हैं और वो पिल की सुनवाई कल है. अच्छा, हाई कोर्ट. हाई कोर्ट. सर अपना जो सर्वर सीज का ये कब तक लोग उसको स्टडी कर लेंगे? एनी न्यूज़ ऑन दैट? कुछ बोल नहीं सकते हैं. ऐसे सवाल आते हैं तो लोग सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं. कोई हमारे पास कम्युनिकेशन पूरी है नहीं, बट अगर अटकल लगाने की ज़रूरत है तो मुझे लगता है पहले तारक साहब बाहर आ जाएं, फिर उसके बाद एक एक करके सब ठीक होने लगे.